तो एक बार बोलिए गणपति बप्पा मौर्य। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे मेरे गणपति बप्पा का ये मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो चलिए लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं गणपति बप्पा की। तो हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर, ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। ये मड़ुवाड़ी थाना जो है, थाने के बगल से रास्ता जाता है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे गणपति बप्पा का बहुत सुंदर सा मंदिर है। तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं गणपति बप्पा के। विघ्नहरण मंगलकरण, जय जय गिरजालाल। तो देखिए हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, एंटर करेंगे। ये मंदिर का मेन द्वार है, इस द्वार से अंदर हम एंटर करते हैं। ये देखिए, ये भोलेनाथ का यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, हम दर्शन कराते हैं भोलेनाथ की। ऊपर बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा सा विशाल शिवलिंग है, ये देखिए वो ऊपर मंदिर के ऊपर शिवलिंग है, बहुत सुंदर सा जो बना हुआ है। पहले दर्शन कराते हैं गणपति बप्पा के। तो चलिए चलते हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने। ये देखिए यहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर है, बहुत सुंदर सा। ये इतना जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा भी होता है, कथा पूजा पाठ और सारी चीज़ें, जैसे कि किसी की देखौकी हो गई और इंगेजमेंट हो गया, यहाँ पे लोग करते हैं। यहाँ पे शादी भी होती है। और ये है गणपति बप्पा की बहुत अच्छी और बहुत भव्य मूर्ति है, प्यारी सी मूर्ति है, साथ में पार्वती जी भी हैं। आइए आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं। और आइए आपको मिलाते हैं यहाँ के पंडित जी से, जो कि यहाँ का पूजा पाठ कराते हैं और शादी विवाह जो भी होता है सब कराते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, काफ़ी स्पेस है और वहाँ पे पंडित जी हैं, तो पंडित जी से भी हम बात कराते हैं। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं, पंडित जी के पैर छूते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये जो है दक्षिणमुखी, मर दक्षिणमुखी अगर वो अतगृही मार्ग में आता है, सालखंड विनायक गणेश मंदिर अतगृही मार्ग मरुवाड़ी जो है वाराणसी में आता है। गणेश जी के मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा। और पंडित जी यहाँ पे पूजा पाठ भी कराते हैं, शादी भी कराते हैं। पूजा पाठ होता है, शादी विवाह सब होता है, कोई भी कार्य है, हवन होता है, जो भी होता है वो पूजा पंडित जी संपन्न कराते हैं। तो आप आइए यहाँ पे, पंडित जी से कांटेक्ट कीजिए, पूजा कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है। तो धन्यवाद पंडित जी, आप इतनी जानकारी दिए। और हनुमान जी है, हाँ हनुमान जी का, हनुमान जी का भी है, दरबार है, हाँ राम दरबार भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अभी तो मैंने आपको दर्शन कराए गणेश जी की, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वर्टर भी लगा है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रहेगी हर टाइम, क्योंकि गर्मी के दिन में दिक्कत होती है अगर आपको कोई कार्य कराना हो। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं भोलेनाथ के, शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा अभी नया बना हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पंडित जी, इसको बने कितना दिन हुआ? करीब हो गया 15-20 साल। अच्छा, 20 साल हो गए। 20 साल हो गया मंदिर को बने, लेकिन यहाँ जो नया बना है वो कब बना है पंडित जी? ये जो नई चीज़ें बनी है, ये तो करीब हुआ 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। अच्छा, ये मंदिर के बाहर जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा शिवलिंग के बाहर जो बना हुआ है, ये अंदर हम जाते हैं, वो 2 साल हुआ बने। तो आपको ले चलते हैं शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे हवन होता है, ये हवन कुंड है, और यहाँ पे नंदी जी की बहुत अच्छी सी मूर्ति है और भोलेनाथ की बहुत अच्छी सी यहाँ पे शिवलिंग है। ये देखिए यहाँ हनुमान जी हैं। और ये नंदी जी की मूर्ति है, यहाँ पे शिवलिंग है और शंकर जी की मूर्ति भी है यहाँ पे। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं शिवलिंग के, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे नंदी जी की मूर्ति छोटी सी बनी हुई है सामने, इसके अंदर हम जाएंगे, ये द्वार है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे
पूजा पाठ चल रहा है, तो चलते हैं और दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। यहाँ पे पंडित जी हैं जो कि भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। यहाँ उनका श्रृंगार चल रहा है। दूर से देख लीजिए पंडित जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? नमस्कार, क्या कर रहे हैं? यही भगवान का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। शाम का टाइम है तो पंडित जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखिए आप लोग भी पंडित जी सेवा करते हैं। आप सुबह शाम सेवा करते हैं भगवान की? अच्छा, सुबह शाम यहाँ पे की सेवा आप करते हैं? अच्छा, तो आप लोग मिले पंडित जी से, वो सुबह शाम सेवा करते हैं भगवान की। भोलेनाथ का अभी वो श्रृंगार कर रहे हैं। शाम का टाइम है, दूर से देख लीजिए एक बार, बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। ये भोलेनाथ का द्वार है और बाहर आपको जितना मैंने दिखाया वहाँ गणेश जी का था। वहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, मड़वाडी का मंदिर है। और यहाँ पे मैंने आपको पंडित जी से जैसे कि बात कराया, तो आप लोग भी आए यहाँ पे। ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है, भव्य मूर्ति है। आइए अंदर लेके चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पंडित जी हैं, वो हनुमान जी की मूर्ति दिखा रहे हैं। देखिए ये हनुमान जी की मूर्ति, पंडित जी कब यहाँ पे स्थापित की गई है? ये करीब 45 साल हो गए। अच्छा, और आप कब से सेवा करते हैं यहाँ पे? 45 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब पंडित जी बहुत पुराने हैं, यहाँ 45 साल से सेवा करते हैं हनुमान जी की और पूरे मंदिर की, भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ आइए आप, तो पंडित जी से जरूर कांटेक्ट कीजिए। पंडित जी आपका नाम क्या है? राजकिशोर पांडे। अच्छा, पंडित जी का नाम है राजकिशोर पांडे और हम और मेरी पूरी फैमिली आती है तो पंडित जी से जरूर मिलते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है तो पंडित जी को जरूर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए, दर्शन पूजा पाठ कीजिए और पंडित जी से कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे आके पंडित जी आपका सब संपन्न करा देंगे। तो एक बार बोलिए जय श्री राम। और यहाँ पे राम दरबार, और यहाँ पे आइए देखते हैं कितना सुंदर राम दरबार है। ये देखिए कितना सुंदर राम दरबार लग रहा है। यहाँ पे राम जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, ये देखिए राम लक्ष्मण सीता जी है। यहाँ पे फोटो है, यहाँ फोटो रखा हुआ है और यहाँ साइड में राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही है। शीतला माता है। अच्छा, और यहाँ पे माँ शीतला जी हैं, ये शीतला माता की मूर्ति है। और यहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी और गणेश जी, मतलब सिर्फ परिवार हैं यहाँ पे, पूरा फोटो दिया गया है। और यहाँ पे शंकर पार्वती जी का की मूर्ति भी है और यहाँ विष्णु भगवान की भी फोटो बनाई गई है और गणपति बप्पा की भी मूर्ति है नीचे। एक बार फिर आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो ये मंदिर बहुत अच्छा है और भव्य मूर्ति है यहाँ पे, भगवान की मूर्ति की स्थापना है और बहुत ही पुराना मंदिर है। तो आप लोगों ने देखा कितना सुंदर मंदिर है। मंदिर के बाहर यहाँ पे आरती दी गई है, हनुमान जी की आरती यहाँ पे है, आरती दी गई है। बगल में चालीसा दिया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हुआ है, स्पेस है। और उसके बगल में अगर आप चाहें तो यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था की जा सकती है, तो उसके बगल में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ अंधेरा है इसलिए मैं अभी आपको इधर से दिखा देती हूँ। यहाँ खाना पीना बन सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, खाना पीना बन सकता है और इंगेजमेंट शादी यहाँ पे सब कुछ होता है। तो पंडित जी प्रयास किए हैं लाइट जलाने की ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन शायद उधर की लाइट नहीं जल रही है। हाँ, फ्यूज़ हो गई है इसलिए लाइट नहीं जल रही है। तो देखिए ये पंडित जी बताएंगे, बताए हैं तो हाँ बताए हैं।
अच्छा, पंडित जी ने जैसे बताया कि ये विनायक मंदिर है, सालखंड विनायक गणेश मंदिर अतःगृही मार्ग मरवाड़ी वाराणसी। अच्छा, तो पंडित जी ने जैसे बताया तो ये मरवाड़ी थाने के बगल से जो गली जाती है उधर से 100 मीटर की दूरी पे पड़ता है ये मंदिर। और काफ़ी यहाँ पे जगह है, स्पेस है, मैं एक बार आप लोगों को फिर दिखा देती हूँ, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और मंदिर को बहुत ही अच्छा सजाया गया है। और सावन में आइए दर्शन कीजिए, क्योंकि पंडित जी बता रहे हैं कि सावन में यहाँ पे भव्य श्रृंगार होता है, हर सोमवार को भव्य श्रृंगार होता है। तो आइए दर्शन कीजिए यहाँ पे भोलेनाथ के, और गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य मंदिर है। आज मैंने आपको गणपति बप्पा के दर्शन कराए, मंदिर में सारे भगवान के दर्शन कराएं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, शिवलिंग बहुत ही अच्छा है, और अलग से यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है। और बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत पुराना मंदिर और बहुत पुराने पंडित जी हैं। तो यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए, मैं एक बार आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये मंदिर का मेन द्वार है, जहाँ से हम अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, गाड़ी वाड़ी यहाँ पे सामने रखाती है, अंदर आएंगे। और देखिए आउटलुक मंदिर का आउटलुक कितना अच्छा लग रहा है। मंदिर है अंदर से बहुत ही अच्छा, बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे सारे भगवान के दर्शन करवाए मैंने, पंडित जी से बात भी करवाई है आप लोगों की। तो आइए और आके दर्शन कीजिए। यहाँ पे बरगद का पेड़ है, जहाँ पे पूजा होती है, वट सावित्री की पूजा होती है। यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए लोग, पंडित जी बता रहे हैं वट सावित्री की पूजा होती है। मूर्तियाँ भी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये है पेड़ बहुत ही सुंदर सा। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाती रहूँगी, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। तो फिर से एक बार बोलिए गणपति बप्पा मौर्या। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।